अस्सलाम वालेकुम माय होम शेफ्स, दिस इज फरा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सिखाऊंगी नो बेक बिस्कॉफ केक बनाना। इंग्रेडिएंट्स आर क्रीम चीज 500 ग्राम, व्हिपिंग क्रीम या हैवी क्रीम 1 कप, लोटस बिस्कॉफ स्प्रेड, ये देखें बिस्कॉफ 400 ग्राम हमारे पास है, बिस्कॉफ कुकीज 1 पैकेट यानी कि 250 ग्राम लेंगे हम, 1/2 कप पाउडर शुगर, 100 ग्राम मेल्टेड बटर, 1 टीस्पून वेनिला एक्सट्रैक्ट या वेनिला एसेंस। केक बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम कुकीज क्रम्बल्स बनाएंगे। अब दोबारा से तमाम बच्चे बिस्किट इसके अंदर डाल दें। अब इसके अंदर बटर शामिल कर दें। अब मोल्ड के अंदर ट्रांसफर करेंगे। इवनली प्रेस करें, किसी भी वेट वाली चीज से इसको आप प्रेस कर लें ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ेंगे। सबसे पहले क्रीम चीज डालेंगे, 400 ग्राम है तो मैं हाफ क्रीम चीज में शामिल करूंगी और हाफ में ऊपर से स्प्रेड करूंगी। इसको इवनली मिक्स कर लें, इस तरह से एक जगह कर लें। दोबारा से बीट करेंगे। अब इसे शिफ्ट करेंगे दूसरे बोल में। अब इसी के अंदर क्रीम डालेंगे, 1 कप क्रीम डाल दें, साथ ही इसके अंदर पाउडर शुगर शामिल कर दें। पाउडर शुगर 1/2 कप, वेनिला एसेंस 1 टीस्पून, उसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। तमाम क्रीम चीज को शामिल कर दें। ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर दें, क्रस्ट हो आएंगे, ये देखिए। अब इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। अब इसको माइक्रोवेव में मेल्ट करेंगे, बहुत ज्यादा गर्म ना करें। केक लेकर आते हैं, केक के ऊपर पोर करेंगे, इवनली हर तरफ से स्प्रेड करेंगे, टिल्ट करके इसको इवन करेंगे। केक को 6 to 8 आवर्स फ्रिज में रखेंगे जब तक ये सेट ना हो जाए। केक को डेकोरेट कर रहे हैं। अब इसकी साइडों में हम बिस्किट रखेंगे, तरह से रखते जाएं बिस्किट। तैयार है, आप इसे जरूर ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई अच्छी रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।